नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल का क्रेज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। संदीप रेड्डी बांगा के डायरेक्शन में बनी ये तीसरी फिल्म है जिसे दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है। वहीं रणवीर और रश्मिका की जोड़ी को भी फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं ओपनिंग डे पर टाइगर 3 और सैम बहादुर जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ने वाली एनिमल का चौथे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। चलिए बताते हैं इसकी अब तक की कुल कमाई कितनी हो चुकी है। एनिमल को देखने के लिए सिनेमा घरों में लाइन लगी हुई है। यही नहीं, थिएटर्स में इसके सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं। रिलीज के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली इस फिल्म ने चौथे दिन भी लोगों का खूब मनोरंजन किया है। ऐसा हम नहीं बल्कि फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट का कहना है। बता देते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक एनिमल ने चौथे दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 39,90,00,000 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं भारत में अब तक 201,53,00,000 रुपए का बिजनेस करने वाली इस फिल्म ने बीते दिन यानी कि सोमवार को 27,57,00,000 का कलेक्शन किया था। हालांकि ये कलेक्शन बाकी दिनों की तुलना में काफी कम है, लेकिन मेकर्स की उम्मीद पर फिल्म खरी उतरी है। अब बात करते हैं फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। तो रिपोर्ट की माने तो 4 दिनों में ही एनिमल बड़े ही आसानी से 300 करोड़ के क्लब में पहुंच गई है। एनिमल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मेकर्स ने फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की एक पोस्टर शेयर किया है। बता दें कि अब तक इस फिल्म ने दुनिया भर में 356 करोड़ का कारोबार कर लिया है।